हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और एपिसोड में। एंड गाइस, जैसा आप लोग ने देखा था पिछले एपिसोड में, जो है ना, हम लोग ने यहाँ पे बाय पैक खोला था एंड वहाँ पे हमने एक नई दो नई तीन तीन जो है ना लेजेंडरी वाला डायनोस का लेके आया था। एंड साथ में जो है हम लोग ने बैटल भी ली थी ग्रीन कैश वाला, जहाँ पे हमें जो है ना भर भर के ग्रीन कैश यहाँ पे मिल गए। एंड साथ में जो पैक खोला ना, उसमें भी भाई हमें बहुत सारी ग्रीन कैश मिली, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी हमारे पास टोटल अभी है 4000+ ग्रीन कैश, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। एक मिनट, मेरे पास वेलोसिराप्टर जेंटू का ऑलरेडी था भाई। यहाँ पे मेरे साथ प्रैंक हो गया। चलो ये सही है, मैं वेलोसिराप्टर जेंटू के लिए यहाँ पे मैंने बैटल लिया था, बट यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी मेरे पास वेलोसिराप्टर जेंटू जो है ऑलरेडी था, जो कि मेरे साथ यहाँ पे मेरा कट चुका है। एंड साथ में जो है ना आज भी यहाँ पे देखते कि कौन सा वाला इवेंट आया एंड कौन सा वाला इवेंट पे हम लोग बैटल लेके ओपी से ओपी रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स को। तो शुरू करने से पहले ना हमें जो है यहाँ पे बहुत सारी कॉइन्स कलेक्ट करनी होगी, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है हमें। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बैटल की टूर्स एंड यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अभी अपना जो JW पॉइंट्स है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं भाई, अभी बस 2000 ही है। हम लोग ने टोटल कलेक्ट किया था 50,000, अभी डाउन होके हो चुका है 2000, बट नो वरीज, हम लोग इसको जो है ना वापस से धीरे धीरे करके कलेक्ट कर ही लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है डायनोस हैच हो चुका है, तो अभी एक काम कर लेते हैं, अपने पास जो नया डायनोस हम लोग ने यहाँ पे हमें मिला था तो दो वाला, क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पे हैच करने छोड़ दें 5 आवर्स। ओके, ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, 5 आवर्स का बात है, तो इसको जल्दी जल्दी हैच करके जो है ना हम लोग बाद में जाके दूसरा जो लेजेंडरी डायनोस है उसको हैच करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोनों डायनोस जो हमें मिला था उसको हम लोग ने यहाँ पे रख दिए हैच करने के लिए। अभी चलते हैं इवेंट के टूर्स एंड यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो शेखदा आते हैं उसके लिए वन डे बचा है, तो हम लोग वन डे बाद में उसको बैटल ले सकते हैं। अभी यहाँ पे बचा है एक है मतलब JW पॉइंट्स एंड एक है रेयरिटी रंबर, जो है हम लोग के पास खास कुछ ऑप्शन तो बचता है नहीं, तो हमें जाके अभी लेना है रेयरिटी रंबल वाला जो बैटल है वो ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। स्टार्टिंग में जो डायनो उसका दिख रहा है ना, मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है, बट नो वरीज गाइस, हम लोग जो है यहाँ पे बैटल निकाल ही लेंगे। सो हम लोग यहाँ पे अपना 100% दे के बैटल जीतने का कोशिश करते हैं। कितना होगा वो अभी मैं बता नहीं सकती, बट अपना 100% ज़रूर दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में अपना पॉइंट्स वगैरह को होल्ड कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो ओपोनेंट के पास है 2 पॉइंट्स, लेट्स सी। एंड यहाँ पे डाइनो को स्वाइप करते हुए हमें ओपोनेंट का मूव देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे करना तो करना क्या है। सो अभी के लिए पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं एंड लेट्स गो। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो कुछ मूवमेंट्स है नहीं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट अटैक करते हुए अपना जो डाइनो है उसका यहाँ पे बजा दी गई है बैंड। तो हम लोग भी एक काम कर लेते, अपना डाइनो को कर लेते स्वाइप। अरे स्वाइप हो जा भाई, क्या दिक्कत है। चलो एंड यहाँ पे देखते कि वो कितना पॉइंट्स पे उड़ने वाला है। सो 3 पॉइंट्स पे उड़ने वाला है, 2 पॉइंट को वापस से यहाँ पे शील्ड में होल्ड करते हुए हम लोग ने 3 अटैक में ओपोनेंट का फर्स्ट जो डाइनो था उसको यहाँ पे उड़ा दिया है। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो विथ 3 पॉइंट्स एंड यहाँ पे देखने के हमें क्या करना है, उसमें 3 में से 3 अटैक करते हुए अपना जो डाइनो है ना उसको वापस से यहाँ पे उड़ा दिया है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे जो है हमें पता है कि उसके पास कुछ भी यहाँ पे पॉइंट्स को होल्ड या शील्ड नहीं दिया, तो हम लोग 3 अटैक करके 3 दे रहे शील्ड में, क्योंकि लास्ट में उसने सब अटैक कर दिया, तो अपना डाइनो का जाने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि HP काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं एंड यहाँ पे है 4 पॉइंट्स। ओके, 4 में से 3 पॉइंट अटैक कर दी है, तो यहाँ पे देखते कि हम लोग 3 पॉइंट पे उसको उड़ा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 पॉइंट्स ही अटैक में दे दी एंड अच्छी बात यह है कि उसने एक भी पॉइंट शील्ड में नहीं दिया था, अगर एक पॉइंट शील्ड में भी दिया होता फिर भी हम लोग उड़ा पाते। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट बैटल है वो जीत चुके हैं, अभी हमें 3 और बैटल जीतनी है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम लोग बैटल मतलब ये जो रिवॉर्ड्स है वो कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो चलते सेकेंड बैटल की टूवर्ड्स। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब इन लोग मेरे को ये नहीं दे रहा है क्या, तो इतना ज़्यादा कम लेवल का भी लेके नहीं जा सकते, तो अभी लेके चलते हैं इसको, तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का हो गया भाई। अपने पास जो PT हम लोग ने दिया था हम लोग ने यहाँ पे सब हैच करने छोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट नो वरीज, हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे। एंड अपना जो वाटर टाइप है उसका भी यहाँ पे बच चुका है बैंड, सो हमें और एक वाटर टाइप लेके जानी होगी।
ओके यहाँ पे मतलब गया नहीं है, जो जो मतलब डाइनोस अपने पास है ना, हमें मतलब इतना ही डाइनोस को लेके जाके यहाँ पे लेनी होगी बैटल, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि जो ग्रीन कैश हम लोग ने कल पैक होके कलेक्ट किया ना, अभी ये एक ही मतलब इवेंट में जाने वाला है बहुत सारे। फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 अटैक करते हैं। वाह वेरी नाइस, अभी तो बहुत अच्छी सही बात है भाई। 1 2, चलो ये 2 अटैक में उड़ने वाले हैं तो हम लोग ने भी डायरेक्ट कर दिए 2 अटैक। एंड इसके साथ साथ ओपोनेंट का जो फर्स्ट डाइनो उसका यहाँ पे बन चुका है पीडी। सो अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो एंड ओपोनेंट के पास है 2 पॉइंट्स। तो मेरे को लगता है कि वो 2 में से 1 पॉइंट ओके उसने वापस से किया, नहीं तो एक काम कर लेते हैं हम लोग भी अपना पॉइंट जो है उसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो अभी ओपोनेंट के पास है 3 पॉइंट्स, 3 में से 3 अटैक कर दिए एंड अपना जो फर्स्ट डाइनो है उसका यहाँ पे बन चुका है पेटी। तो अभी आता है अपना सेकेंड डाइनो। हमें पता है कि ओपोनेंट के पास एक भी शील्ड में है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देने वाले 4 अटैक में एंड 4 पॉइंट को करने वाले वापस से होल। सो ये 4 अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का जो सेकेंड डाइनो है उसका भी यहाँ पे बन चुका है पेटी। एंड अभी यहाँ पे बचता है ओपोनेंट का फाइनल डाइनो एंड स्टिल अपने पास 2 वाटर टाइप जो उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है वो यहाँ पे आ चुका है। बट ओपोनेंट ने जो है अपना डाइनो को यहाँ पे उड़ा दिया है। नो वरीज, अभी जितना भी पॉइंट्स अपने पास है ना, टोटल 8 पॉइंट्स हम लोग सब देने वाले अटैक में एंड ये बैटल को करने वाले हैं यहीं पे एंड। तो यहाँ पे फाइनल ब्लो के साथ ओपोनेंट का जो फाइनल डाइनो उसको काफ़ी गंदी तरीके से डैमेज पड़ा है एंड वो डाइनो हो चुका है डाउन एंड हम लोग यहाँ पे एक और बैटल जीत चुके हैं। सो अभी हमें लेना है 2 और बैटल। यहाँ पे जो रेयर मतलब डाइनोज है ना, सिर्फ उसको ही लेके हम लोग यहाँ पे बैटल ले सकते हैं। सो हमें यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रही है बट आई थिंक हम लोग यहाँ पे मैनेज कर ही लेंगे। तो अभी लेके जाते हैं ये वाला वाटर टाइप एंड विको, ये वाला एक लेके चलते हैं एंड ये वाला। तो ये है 3rd बैटल एंड यहाँ पे देखने के हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जो ओपोनेंट का हेल्थ एंड HP है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट हम लोग भी थोड़ी कम है। हम लोग भी यहाँ पे कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। देखना उसका मतलब डाइनो मेरे अगेंस्ट वीक होने के बावजूद भी उसका जो डैमेज है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा OP है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करना चालू कर दे। वेरी नाइस, तो हम लोग यहाँ पे इससे 2 अटैक में उसको उड़ा पाएंगे कि नहीं? आई डोंट थिंक कि हम लोग उड़ा पाएंगे। तो हम लोग वापस से कर लेते हैं अपना जो पॉइंट्स है उसको होल्ड एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ओपोनेंट करता क्या है। सो ओपोनेंट ने वो कर दिया है वापस से अपना पॉइंट्स को अटैक करते हुए अपना जो डाइनो उसका बना दिया है PD। तो अब भी ओपोनेंट के पास एक भी शील्ड में है नहीं, तो हम लोग करने वाले डाइनो को स्वाइप एंड देखते कि कितना फटके में उड़ने वाला है। 1 2 3, सो 3 फटके में उड़ने वाले हैं। हम लोग ने 3 कर दिया अटैक एंड 2 पॉइंट को वापस से कर दिए होल्ड एंड यहाँ पे देखते कि यहाँ पे ओपोनेंट नेक्स्ट क्या करता है। ओपोनेंट का मतलब ये डाइनो को इतना ज़्यादा HP नहीं था, उसका जो लेबल देखा है एंड जैसा वो दिख रहा है ना, मेरे को लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा बट इतना खास कुछ हुआ नहीं। बट ओपोनेंट ने यहाँ पे वापस ही हमें जो है यहाँ पे उड़ा दिया है। अभी 3 में से 3 ही अटैक किया था आई थिंक। 1 2 1 2 3 एंड 1 पॉइंट हम लोग कर दिए 2 अटैक, 3 शील्ड एंड 1 होल्ड। उसके साथ साथ ओपोनेंट का जो सेकेंड डाइनो है वो भी डाउन हो चुका है। अभी यहाँ बैठा है फाइनल 1v1 एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अगर ओपोनेंट ने 4 ही पॉइंट अटैक कर दी तो अच्छा रहेगा बट ओपोनेंट ने 4 नहीं किया, यहाँ पे 1 ही अटैक करते हुए आई थिंक 3 शील्ड में दिया होगा। 2 पॉइंट पे वो उड़ेगा कि नहीं आई डाउट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करने वाले 4 पॉइंट को शील्ड में एंड 1 पॉइंट को होल्ड। वो भाई यहाँ पे ओपोनेंट ने भाई 1 2 ही पॉइंट शील्ड में दिया था, वो उड़ सकता था बट मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो नो वरीज, अभी यहाँ पे कर दिए 3 पॉइंट। चलो अगर 3 पॉइंट दिया था उसने 2 ही शील्ड में दिया होगा तो 3 अटैक तो अपना लग ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सब 5 ही पॉइंट अटैक करते हुए हम लोग यहाँ पे ओपोनेंट का फाइनल डाइनो को भी उड़ाते हुए यहाँ पे हम लोग एक और बैटल जीत चुके हैं। अभी हमें लेनी है फाइनल बैटल एंड वंस फाइनल बैटल हो गया ना भाई, उसके बाद तो रिवॉर्ड अपने ही छे। सो लेट्स सी, अभी चलते हैं फाइनल बैटल की टूवर्ड्स एंड यहाँ पे अपना थोड़ी सी सीन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे अपना वाटर टाइप जो डाइनोस है यहाँ पे बचता नहीं है एंड जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो एक काम कर लेते अभी वापस से जाके अपना ग्रीन कैश यूज़ ही कर लेते भाई, क्या ही कर सकते अभी ना सोलत को। एंड यहाँ पे ग्रीन कैश यूज़ करते हुए हम लोग ने अपना जो वाटर टाइप डाइनो उसको यहाँ पे वापस से ले लिया। अभी यहाँ पे देखते कि हम लोग क्या कर सकते। तो स्टार्टिंग में पॉइंट्स को होल्ड कर लेते
एंड जो अपना यहाँ पे मतलब कार्निवरस है ना, उसको हम लोग बेट बनाते हुए यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपोनेंट का मूव कैसा होता है, क्योंकि ओपोनेंट का तीन ही कार्निवरस है, अपने पास दो वाटर टाइप है। तो अभी ओपोनेंट के पास हो चुका है 4 पॉइंट्स एंड वापस से अटैक किया नहीं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट को अटैक करते हुए हम लोग ने 4 पॉइंट को कर दिए होल्ड, बट ओपोनेंट ने यहाँ पे 1 पॉइंट शील्ड में दी थी। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स, अभी 6 पॉइंट ही अटैक करने वाले हो क्या? एंड 6 में से 6 ही अटैक करते हुए ओपोनेंट ने जो है ना अपना कार्निवरस पर 25, जिसका 2500 हेल्थ था ना, उसको यहाँ पे उड़ा दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाके अपना कितना पॉइंट से उड़ेगा? 3 पॉइंट्स एक शील्ड में एंड 4 पॉइंट्स को करने वाले वापस से होल्ड। तो इसके साथ ओपोनेंट का भी फर्स्ट जो डाइनो उसका हम लोग ने यहाँ पे बना दिया है पीएटी। अभी यहाँ पे था ओपोनेंट का सेकंड डाइनो, उन लोग का एचपी देखना भाई, मैं बोल नहीं सकता कि उन लोग का एचपी इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। मेरा जो आधा एचपी है उन लोग का, मतलब मेरा डबल मतलब एचपी उसका, आई मीन। सो यहाँ पे हम लोग ने 4 पॉइंट को अटैक कर दी थी एंड ओके वाओ, मेरे को लगा नहीं था कि वो उड़ने वाला है, बट यहाँ पे उड़ गया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अभी यहाँ पे बचता है ओपोनेंट का फाइनल डाइनो एंड अपना स्टिल 2 डाइनोज बचा है। तो आई थिंक ये जो बैटल है ना, ये भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी इजीली निकाल ही सकते हैं। सो ओपोनेंट ने 5 पॉइंट अटैक कर दी एंड अपना सेकेंड डाइनो उड़ चुका है, बट नो वरीज, अपना फाइनल डाइनो एंड अपने पास 8 पॉइंट्स है भाई। 8 पॉइंट्स हमें चाहिए भी नहीं, उसको उड़ाने के लिए 2 शील्ड में चला जाएगा। फिर भी यहाँ पे हम लोग 8 पॉइंट्स से अटैक में देते हुए यहाँ पे फाइनल ब्लो के साथ साथ ओपोनेंट का फाइनल जो डाइनो वो भी डाउन हो चुका है एंड चारों बैटल जो है बैक टू बैक सभी बैटल जीत चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी जस्ट देखना है कि हमें यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिलता है। ओ यहाँ पे सब लेजेंडरी है, दूसरा डाइनो का ऑप्शन है नहीं, तो हमारे लिए अच्छी बात है भाई। यहाँ पे पैक मिल गया वो भाई डीएनए भी। एंड ये कौन सा वाला डाइनो भाई? आई थिंक ये वाला डाइनो मेरे को पहले भी मिला था, बट वापस से मिल गया, अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे सब इन लोग लेजेंडरी ऑप्शन है, अपने पास दूसरा रेयर या मतलब सुपर रेयर डाइनोज भी होता है, बट यहाँ पे वैसा था नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे वापस से एक और जो लेजेंडरी डाइनो है अपना कलेक्शन पे ऐड हो चुका है। ऐड हो चुका है ना, शायद वो डाइनो मेरे पास ऑलरेडी था जिसको मैंने हैच कर लिया था। ये बिल्कुल भी नहीं है नहीं, तो देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना रियलिटी रंबल पे जो है हम लोग ने 4 बैटल लिए, 4 बैटल जो है बैक टू बैक सभी बैटल जीते एंड यहाँ पे हमें ओपी सा लेजेंडरी वाला डाइनो वापस से मिल चुका है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। कुछ टाइम से जो है ना हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है लेजेंडरी वाला डाइनो ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है। सो देखते हैं कि आगे आगे भी वैसे मिलता है या हम लोग बैटल हार जाते। तो मिलते अगले एपिसोड में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।